अल्पा जी कैसा लग रहा है आपको? मजे आ रहे हैं। सो स्नो चेन की वजह से पॉसिबल हो गया, नहीं तो मैं तो जाने वाला था रास्ते से। तो भाई ये देखिए, ये हमारी डार्क ब्लू डेवलप न्यू भाई जी, क्या बना रहे हैं? सूप भैया, सूप बना रहे हैं हम सबके लिए, साथ में ले रहे हैं स्नोफॉल का मजा, लाइव स्नोफॉल हो रही है। हम लोग बना रहे हैं अपने लिए सूप, मतलब जितने भी लोग हैं उन सबके लिए बना रहा हूँ मैं सूप, क्योंकि सूप के पैकेट बचे हुए थे। सो शेयरिंग इज केयरिंग। गाइस देख सकते हो स्नोफॉल, स्नोफॉल में विंटर ड्राइव कर रहे हैं हम लोग। ये नितेश है, ड्रोन को तैयार कर रहा है, दो चार ड्रोन शॉट लेने हमें। सो भाई कुछ ये होटल था हमारा रात को, होटल कुफरी हॉलीडेज इनन, हॉलीडे इनन। सो ये एक गाड़ी ये है हमारे भाई की, पंजाबी घुमक्कड़ भाई की, बिल्कुल अच्छी नहीं सर्विस। क्या हीटर बोला था ये लोगों ने, हीटर भी नहीं दिया। और बाकी भाई रूम सर्विस थर्ड क्लास है, मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करता। और भी बताता हूँ, और इनकी जब रूम लेने के बाद इनकी टोन चेंज होगी रात को, कभी मत आना ऐसे दोस्तों। और एक ये तलबीर भाई की है, ठीक है, और अपनी जिमनी खड़ी है उधर की साइड में, और ऊपर से हो रही है स्नोफॉल लाइव, ये देखो खतरनाक वाली। पाजी कैसा लग रहा है? पाजी ने तो स्नो चेन लगा रखी है बढ़िया, बस इसे कस लेना। अच्छा करना है, रात को प्रॉब्लम कर रही थी, टाइम पास किया, ठीक है। सो ये रही हमारी जिमनी जिसके ऊपर स्नो ही स्नो है, और बाकी टेम्परेचर हो रहा है 0°C। सो आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। वैसे तो एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत आए नहीं। ये देखा मक्खन, पेट्रोल गाड़ी होने का ये फायदा होता है मक्खन की तरह। आज है तारीख 1 फरवरी 2024, और ये जो अभी की करंट लोकेशन है ये फागू की है। फागू के बाद स्नो खत्म हो जाएगी थोड़ी, मतलब ब्लैक आइस तो मिल सकती है, बाकी स्नो नहीं मिलेगी। उसके बाद सीधा आगे मिलेगी नारकंडा के अंदर। तो गाइस देख सकते हो स्नोफॉल, स्नोफॉल में विंटर ड्राइव कर रहे हैं हम लोग। ये नितेश है, ड्रोन को तैयार कर रहा है, दो चार ड्रोन शॉट लेने हमें। तो नितेश कैसा लग रहा है? आप देख सकते हो बहुत ही खतरनाक स्नोफॉल हो रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको सामने से। ये देखो पूरा का पूरा वेदर पैक है, और सामने से स्नोफॉल आ रही है। हाय मजे मजे, पानी यहाँ पे लगा लेंगे, रोड क्यों बंद कर रहे हैं हमने ना? आप तो कल तो पी वहीं से जाने की बोल रहे थे भाई। सीरियसली मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया था, मैं समझे को ना, जब आपके पास 4x4 दो गाड़ी है, उसके बाद अकेले होते ना फिर तो हो जाता। और ये जब स्नो चैन लगी है ना, कॉन्फिडेंस डबल से ट्रिपल हो गया। मैं थोड़ा सा हवा डाल दे इसमें, थोड़ी हवा करनी है ज्यादा, पकड़ने वाला लाओ बड़ा। अल्पा जी कैसा लग रहा है आपको? मजे आ रहे हैं। सो स्नो चेन की वजह से पॉसिबल हो गया, नहीं तो मैं तो जाने वाला था रास्ते से। तो ये सारे लोग हैं जो हमें मतलब ज्वाइन किए इन्होंने, हम इसके टीम में। बड़ा मजा आने वाला है, नहीं भैया? बिल्कुल फुल एंजॉय करेंगे। आप कह रहे थे सूप बनाओगे आप? हां सूप, सूप पीना है कि चाय पीनी है? पानी गरम कर, पानी गरम कर लेते हैं और सूप के पैकेट में लाता हूं। तो ये देखिए यहां पे पूरा टाइट जुगाड़ है, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं है यहां पे। सूप चाहिए, सूप मिलेगा, चाय चाहिए। सो भाई ये देखिए, ये हमारी डार्क ब्लू टेबलर नील भाई जी, क्या बना रहे हैं? सूप भैया, सूप बना रहे हैं हम सबके लिए, साथ में ले रहे हैं स्नोफॉल का मजा, लाइव स्नोफॉल हो रही है। और अभी हमें ठियोग में, हम लोग बना रहे हैं अपने लिए सूप, मतलब जितने भी लोग हैं उन सबके लिए बना रहा हूँ मैं सूप, क्योंकि सूप के पैकेट बचे हुए थे। सो
सो शेयरिंग इज केयरिंग। तो देखते हैं बन कितनी देर में जाता है, एक बार पानी गर्म हो पहले फिर बनाएंगे उसके बाद। तो इसी के साथ रामपुर बुशहर शहर के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं और काजा करीबन यहाँ से 300 किलोमीटर के समथिंग अराउंड है लगभग। सो अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे का, बाकी बरसात आ रही है सामने और तारीख तो जैसे है आज 1 फरवरी 2024, बाकी सब कुछ सही चल रहा है। अभी यहाँ तो स्नो मिलेगी नहीं, अब सीधा मिलेगी नागको विलेज की तरफ जाएंगे जब। सो गाइस जिमनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सही चल रहा है, जिमनी काफ़ी मक्खन की तरह चल रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई परफॉर्मेंस लैग भी महसूस नहीं हो रहा है। बीइंग अ थार ओनर ये बात बोल रहा हूँ मैं आपको। हाँ मतलब थोड़ा सा किया है कि टॉर्क कम है गाड़ी के अंदर, वो थोड़ा सा फील होता है आप, बट आप एक बार उसको चलाओगे ना थोड़ा सा टाइम तक थोड़ा यूज़ कर लोगे तो आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये गाड़ी मैंने करीबन चला ली है 1200 किलोमीटर, अब मेरे को इतनी फील नहीं हो रहा। और आज तो नहीं पहुंचा जाएगा काजा, तो देखते हैं कहाँ पे जाते हैं, कहाँ रुकते हैं और क्या करते हैं। बाकी दोनों गाड़ियां हमारे साथ, जो दो गाड़ियां और थी वो पीछे रह गई और एक थार थी जो बेंगलोर के कपल थे वो लोग आगे जा चुके हैं, तो चल रहे हैं। बाकी हल्की हल्की बरसात आ रही है थोड़ी थोड़ी यहाँ पे। Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. So guys, good morning. हम लोग हैं अभी रामपुर बुशहर से थोड़ा सा आगे। कल रात को हम लोग मतलब किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर रहे थे बट पुलिस वालों ने डिनाई कर दिया क्योंकि कल रात को बारिश भी आ रही थी और लैंडस्लाइड हो रही थी। सो पीछे आके हमने एक रूम लिया, इस रूम के अंदर है और सुबह हो चुकी है। इस रूम का नाम है मतलब होटल का नाम है होटल हिमालयन हेरिटेज। सो ये रूम था हमारा, अब हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सो अब बारी यहाँ से निकलने की। सो नीचे पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है, जितने भी मेम्बर्स है सभी रेडी हो चुके हैं। सो लेट्स गो गाइस, आज कैसे भी करके हमें कहाँ पहुँचना है। सो चले चलो। सो हितू हितेश कैसा लग रहा है? एक मिनट थोड़ा सा लाइट के अंदर आ जा। सो भाई चलते हैं अंदर। और सो भाई कैसा लगा आज का? बढ़िया लगा, सही मजे आ रहे हैं? बिल्कुल मजे आ रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे मतलब क्या किस चीज की कमी रह रही है? मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी काजा पहुँचे और वहाँ पे कैंपिंग करे। हाँ कैंपिंग करे, टाइम खराब ना करे। 3 दिन लग गए भाई हमें रामपुर बुशहर में ही खड़े, हम चौथा दिन है आज हमारा। सो गाइस लगभग 3 दिन हो चुके हैं हमें रामपुर बुशहर में, 3 दिन में पहुंचे हम लोग और आज कोशिश करेंगे हम लोग काजा जाए। सो ये तलवीर पाजी जी बैठे हैं, बाकी सामान वामान ही आ गया। एक काम कर गाड़ी ना थोड़ा सा स्टार्ट करके रख उसको, मामा खुल गया। सो गाइस फाइनली किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंट्री हो गई है हमारी, अब रामपुर बुशहर पीछे रह गया। सो थोड़ा से आगे चलने के बाद आएगा चेक पोस्ट, वहाँ पे करवानी होगी हमें एंट्री।
स्पीति के लिए। बाकी आगे ना लैंडस्लाइड हो रखा था कल रात को, तो चेक करना पड़ेगा अभी खुला है या नहीं खुला रोड, क्योंकि गाड़ियां कुछ आती भी दिख नहीं रही है, तो मेरे को लग नहीं रहा है कि अभी खुला होगा वो। तो फटाफट चलते हैं यहाँ से और पहुंचते हैं चेक पोस्ट पे।